कांकेर में खनिज विभाग ने रेत ईंट से भरे ट्रैक्टर और गिट्टी से भरे ट्रक पर कार्रवाई की, जिसमें खनिज अधिकारी ने बताया कि पंडारी पानी और गोविंदपुर गांव में अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था, जिसकी सूचना खनिज विभाग को मिली। सूचना के बाद खनिज विभाग की टीम ने जब्ती की कार्रवाई की। उक्त वाहनों में रेत ईंट और गिट्टी परिवहन संबंधी दस्तावेज मौजूद न होने पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें, क्षेत्र में लगातार अवैध रेत उत्खनन, लाल ईंट निर्माण और विक्रय की शिकायतें आ रही थी, जिसे देखते हुए पिछले 15 दिनों में जिले के विभिन्न जगहों में 21 वाहनों पर जब्ती की कार्रवाई कर करीब 3.5 लाख रूपये का राजस्व वसूला गया। लॉकडाउन खुलने के प्रारंभ होते ही अवैध उत्खनन और परिवहन कर्ताओं की बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही थी। शिकायतें कलेक्टर महोदय तक पहुंची और उनके निर्देशानुसार खनिज टीम द्वारा एवं राजस्व की जो टीम है इनके द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। विगत 15 दिनों में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 21 वाहनों को जब्त किया गया है, जिसमें कुछ का निराकरण हो चुका है, जिससे शासन को लगभग 3.5 लाख रुपये तक का राजस्व प्राप्त हुआ है और कुछ प्रकरण अभी लंबित हैं, इसमें और भी अवैध उत्खनन के अर्थदंड के रूप में शासन को राशि प्राप्त होगी।